Hello everyone. Once again, you all are welcome to my channel IITian Explains. So basically, आपको पता चल गया होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेके आए हैं और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगा. तो मैं जल्दी से एक बार इस पूरे कंटेंट को आपको बता दूँ. आज का हमारा कंटेंट क्या है, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है और ये कॉम्पिटिटिव इंपॉर्टेंस इस टॉपिक के कितने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. बेसिकली ये टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक चैप्टर से बिलोंग करता है. ये ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समराइज करके क्वेश्चंस आते हैं. जैसे आपको कोई सॉल्ट को हीट करने के लिए दे दिया, उसके प्रोडक्ट आपसे पूछे गए. कोई गैस दे दिया, वो गैस किस सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होगा और अगर वो एब्जॉर्ब होता है तो वो किस काइंड की टर्बिडिटी देगा या डिफरेंट कलर्स कैसे प्रोड्यूस होंगे या और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस. तो मैंने इसको पैसेज टाइप में देखा है, कई बार पूछे गए हैं, आपने भी देखा होगा. ये एम्स में क्वेश्चन आते हैं. एक्चुअली ये बहुत ही फंडामेंटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है. अब बात आती है कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए, इस टॉपिक में एक्सपर्ट कैसे बना जाए. तो मैं कुछ सालों से ये देखता आ रहा हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा पेनफुल होता है स्टूडेंट के लिए. क्यों? क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है कि आपने अमोनियम सॉल्ट पढ़ लिया तो प्रॉब्लम्स हो गए, आपने कार्बोनेट स्टडी कर लिया तो प्रॉब्लम्स हो गए. आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट चाहिए होता है इसको सॉल्व करने के लिए. तो मैं आज कोशिश करूंगा आपको इस टॉपिक में एक्सपर्ट बना दूं. बस फिर से वही बात जो हर वीडियो में मैं बोलता हूं, आप पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बात आपको लगे इस टॉपिक से रिलेटेड आप उसको नोट करते जाएंगे. और इस वीडियो की खास बात क्या है जो पिछले वीडियो में नहीं थी, आपको इस वीडियो में दो पार्ट मिलने जा रहे हैं. यस, दो पार्ट. पहला पार्ट है हमारा थियोरेटिकल पार्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे और दूसरा पार्ट है हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट. सॉल्यूशन वाला पार्ट मतलब प्रॉब्लम वाला पार्ट जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएगा, अपलोड किया जाएगा इसी चैनल पे. तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट आएगा और इसमें आप क्या स्टडी करने जा रहे हो, कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी, हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीटिंग्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट. अब आप सॉल्ट कैसा कैसा लोगे, मैंने कुछ सिलेक्टेड सॉल्ट यूज किए हैं इस टॉपिक के अंदर और वो सॉल्ट कौन कौन है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, अमोनियम सॉल्ट और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स और कुछ हैलोजन्स भी हम डिस्कस कर लेंगे. इन सॉल्ट्स को हीट करने पे क्या होता है वो आप इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझोगे और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैसेज और बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, ठीक है. तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, एकदम अपने माइंड को शांत कर लीजिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए. गुड, चलिए. तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेटल कार्बोनेट्स. सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है ये है मेटल कार्बोनेट्स. अब देखिए आपके पास मेटल कार्बोनेट्स कितने हो सकते हैं. आप सोच रहे हो सर सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट. नहीं नहीं, ऐसे मत सोचो. थोड़ा कॉम्पिटिटिव वे में अगर इसको सोचा जाए तो मेटल कार्बोनेट सबसे पहला हमारे पास होगा एल्कली मेटल कार्बोनेट्स. एल्कली मेटल कार्बोनेट्स इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे, आपके पास बेसिकली ऐसे वाले कार्बोनेट आ जाएंगे M2CO3 वाले. और इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट. इतने कार्बोनेट आपके पास आ जाएंगे एल्कली मेटल कार्बोनेट्स के अंदर. ठीक है, सेकेंड टाइप्स के जो कार्बोनेट होंगे हमारे पास जिनको आप स्टडी करने जाओगे और जिनके थर्मल स्टेबिलिटी को आप स्टडी करोगे, इनको हीट करने पे क्या होगा, कौन सा सॉल्ट पहले ब्रेक होगा, कौन सा सॉल्ट लेट से ब्रेक होगा और ब्रेक होने पे कौन सी गैस रिलीज होगी, तो इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे. दूसरा हमारे पास है एल्कलाइन, एल्कलाइन मेटल कार्बोनेट. इसके अंदर आप स्टडी करने जा रहे हो इस टाइप के कार्बोनेट को, M2CO3 को. क्या क्या आएगा इसके अंदर, बेसिकली आएगा बेरिलियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, ठीक है,
और बेरियम कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट्स आप स्टडी करोगे एल्कलाइन मेटल कार्बोनेट्स के अंदर, बात समझ में आ रही है। थर्ड कार्बोनेट जिस टाइप्स के आप स्टडी करोगे ये है आपके पास पी ब्लॉक कार्बोनेट्स, पी ब्लॉक कार्बोनेट्स। पी ब्लॉक कार्बोनेट्स में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं कई बार, लेकिन चूंकि क्या होता है मैंने देखा है कि बच्चे एस ब्लॉक वाले कार्बोनेट्स को ज्यादा स्टडी करते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले, सेकंड ग्रुप वाले, बट पी ग्रुप, पी के अंदर वाले एलिमेंट्स को हम छोड़ देते हैं, बट वो काफी इंपॉर्टेंट होता है जेई और एम्स के लिए। वो क्या हो सकते हैं पी ब्लॉक के कार्बोनेट, जैसे आपके पास हो गए एल्यूमिनियम कार्बोनेट, आपके पास हो गए लेड कार्बोनेट, आपके पास हो सकते हैं थैलियम कार्बोनेट। देखिए आप सोच रहे होंगे सर थैलियम तो 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो इसकी वैलेंसी तो आपने 3 नहीं ली है, एल्युमिनियम फैमिली के अंदर है। हाँ मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि आपको पता होगा, चूंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है बट आपको बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ, थैलियम ग्रुप 13 एलिमेंट है, थैलियम आपका ग्रुप 13 एलिमेंट्स है और ग्रुप 13 एलिमेंट्स में ये इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी प्लस 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, आ रही है बात समझ में, यस। तो अब इन कार्बोनेट्स को हीट करना है। फोर्थ हमारे पास जो कार्बोनेट आएगा वो कार्बोनेट आएगा ट्रांजिशन मेटल कार्बोनेट, ट्रांजिशन मेटल कार्बोनेट्स। ट्रांजिशन मेटल्स कार्बोनेट में आप स्टडी करोगे कैसे कार्बोनेट को, आप स्टडी करोगे लाइक FeCO3 को, आप स्टडी करोगे जिंक कार्बोनेट को, आप स्टडी करोगे कॉपर कार्बोनेट को, आप स्टडी करोगे कैडमियम कार्बोनेट को, और लास्ट जो टाइप के हमारे पास कार्बोनेट आ रहे हैं ये कार्बोनेट है पैसिव मेटल कार्बोनेट्स। अब पैसिव मेटल कार्बोनेट्स क्या होंगे, इसके अंदर आपके पास आ जाएंगे जैसे HgCO3, आपके पास आ जाएगा Ag2CO3, आपके पास आ जाएगा Au2CO3, आपके पास आ जाएगा PtCO3 पोलटॉइस। तो बेसिकली मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मेटल कार्बोनेट्स हमारे पास इन 5 टाइप्स के होंगे। पहला होगा एल्कली मेटल कार्बोनेट्स जिनका जनरल फॉर्मूला M2CO3 होगा, इसके अंदर आएंगे लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीसियम कार्बोनेट। एल्कलाइन मेटल कार्बोनेट्स के अंदर होंगे आपके पास बेरिलियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। पी ब्लॉक में हमने कुछ सिलेक्टिव कार्बोनेट लिए हैं, क्या क्या लिए हमने, एल्युमिनियम कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, थैलियम कार्बोनेट। ट्रांजिशन मेटल में हमने कुछ कॉपर के लिए, कैडमियम, आयरन और जिंक के लिए, और पैसिव में मैंने सिल्वर लिया है, गोल्ड लिया है, प्लैटिनम लिया है और मर्क्यूरी लिया है। ये डिफरेंट कार्बोनेट्स को हमने देखा है, ठीक है। चलिए अब इनके हीटिंग इफेक्ट्स को हम जान लेते हैं कि इनको हीट करने पे क्या होगा, ठीक है। चलिए इनको हीट करने पे क्या होगा, तो देखिए अगर आप ग्रुप 1 एलिमेंट के कार्बोनेट को हीट करेंगे, ग्रुप 1 एलिमेंट्स कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। देखो अगर ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप 1 एलिमेंट के कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, इसके रीजन को डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है फजान रूल के अंदर, और फजान रूल आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो फजान रूल का आपको नहीं पता होगा। आई थिंक आपको फजान रूल के सारे टॉपिक पता है, लेकिन अगर आपको डिटेल में चाहिए फजान रूल के बारे में तो मैं आपको बताता हूं, आपको ये मेरी बुक है इसके अंदर फजान रूल बहुत डिटेल में हमने डाला है, फजान रूल के डिफरेंट पोस्टुलेट्स, डिफरेंट यूजेस, ये एसेंशियल ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स में आपको मिल जाएंगे। चूंकि आपने बुक अगर ये नहीं पढ़ी है तो मैं इनसे रिलेटेड टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लेता हूं। देखो ग्रुप 1 एलिमेंट के जो कार्बोनेट होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, जैसे ले लो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अगर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी चेक की जाए, आप इसको हीट करोगे तो नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सोडियम Na+ और कार्बोनेट CO3- रेजोनेंस काम करता है, इनके बीच जो पोलराइजेशन काम कर रहा है ये पोलराइजेशन बहुत वीक है, क्योंकि सोडियम बहुत ही अच्छे मेटल्स होते हैं,
हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, तो इन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और कार्बोनेट के बीच में काम करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, ये इसको पोलराइज नहीं कर पाता है। तो जब ये पोलराइजेशन नहीं होती है तो कोवलेंट नेचर सोडियम कार्बोनेट में मिनिमम होता है, और जितना कम कोवलेंट नेचर होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। तो अगर आप सोडियम कार्बोनेट को हीट करोगे कोई भी इफेक्ट होने नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ये अलग बात है अगर आप इसको 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तक हीट करो तो ये ब्रेक हो सकता है सोडियम ऑक्साइड में और ब्रेक हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड में। बट मैं एक जनरल सेंस में बात करूं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक सोडियम कार्बोनेट हमारा ब्रेक नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप बार बार पोलराइजेशन के बारे में बोल रहे हो, पोलराइजेशन होता क्या है? तो चलिए हम इसको जान लेते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई कैटायन है, आपके पास कोई कैटायन है और अगर आपके पास कोई एनायन है ए माइनस, तो ये कैटायन इस एनायन के क्लाउड को डिस्पर्स्ड करता है। डिस्पर्स्ड करने का मतलब ये चाहता है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, अगर इसका रेडियस बहुत छोटा है, रेडियस इसका बहुत स्मॉल है, और अगर इस पे चार्ज बहुत ज्यादा है, चार्ज क्या है इसके पास हाई है, तो सिग्मा जो होगा इसके पास चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया ये क्या हो जाएगा, अगर रेडियस स्मॉल है तो एरिया काफी स्मॉल हो जाएगा, और इसके पास चार्ज अगर हाई है तो इसका वैल्यू हाई हो गया, तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा लार्ज। तो जब इस पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये इसके क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा, तो दोनों के बीच में एक शेयरिंग लाइक बॉन्ड बन जाएगा, ये शेयर करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कोवलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम हो जाएगा। नई बात समझ में आई? चलिए मैं इसको एक नए तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैटायन है और ये हमारे पास एनायन है। ये रेड कलर का जो बॉल है इसको एनायन मान लो और इस पॉजिटिव बॉल को कैटायन मान लो। तो कैटायन पे अगर इसका रेडियस बहुत छोटा है जैसा कि तुम देख पा रहे हो, और इसका ऑब्वियस सी बात है एरिया भी काफी छोटा होगा 4πr². अब मान लो मैंने इस पे 2 पॉजिटिव दे दिया या 3 पॉजिटिव दे दिया, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी इसकी, मैक्सिमम हो जाएगी चार्ज डेंसिटी। आप ऐसे समझो, इस छोटे बॉल के ऊपर अगर मैं 2 ड्रॉप वाटर दे दूं तो ज्यादा डेंस वाटर इसके ऊपर बनेगा, लेकिन अगर इस पे दूं तो उतना डेंस नहीं हो पाएगा। तो जब ये वाले कटायन इस एनायन के क्लोज आते हैं तो ये क्या करते हैं, कैटायन एनायन के क्लोज आएंगे तो ये इसके क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इस पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो ये इस क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके क्लाउड थोड़े से डिस्पर्स होके इसके क्लोज चले जाएंगे, तो इनके बीच में जो सोडियम या कोई भी मेटल कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स काम कर रहा था, कैसा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब ये फोर्स कोवलेंट नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक दूसरे के क्लाउड को ओवरलैप करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बढ़ा दो, सिग्मा की वैल्यू को बढ़ा दो और इसके साइज को इंक्रीज कर दो, तो क्या होगा, इनके बीच में शेयरिंग नेचर डोमिनेट कर जाएगा और इससे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आयोनिक प्रॉपर्टी कम हो गई और कोवलेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई। बात समझ में आ रही है? तो ये थर्मली अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखिए सोडियम के केस में क्या हुआ है कि सोडियम का साइज अगर हम पीरियड वाइज बात करें तो आप ले लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन तीनों में से सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, सोडियम का होगा, क्योंकि किसी भी पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारा साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होता चला जाता है। और अगर आप इनके आयंस की बात करें तो इनके आयंस है Na+, इनके आयंस है Mg2+ और इनके आयन है Al3+। तो इस केस में क्या हो रहा है, सोडियम का साइज सबसे ज्यादा है और इसका चार्ज सबसे कम है, चार्ज इसका लेस है और साइज इसका मैक्सिमम है। एल्यूमिनियम के केस में क्या हो रहा है, साइज इसका मिनिमम है और चार्ज इसका मैक्सिमम है। तो चार्ज जब इसका मैक्सिमम है और साइज जब इसका मिनिमम है तो इसके जो कार्बोनेट बनेंगे क्या बनेंगे, Al2CO3 3, ये बहुत ही अनस्टेबल होंगे, क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट नेचर डोमिनेट कर जाएगा, आयोनिक नेचर बहुत कम होगा, तो ये इजीली ब्रेक कर जाएगा। और इस केस में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा थर्मल रेसिस्टेंट सॉल्ट होंगे, अगर आप इसको 1000 के ऊपर ले जाते हो तो ये मेल्ट हो जाते हैं बट फिर भी ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो अगर अब मैं बात कर लूं इनके सॉल्ट्स के थर्मल स्टेबिलिटी की तो क्या होगा,
तो चलिए चलिए हम बात कर लेंगे अब सोडियम कार्बोनेट, या एक और कार्बोनेट आप इससे पहले ले लो, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रूबीडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। इस केस में सबके पास चार्ज सेम है, क्यू इज इक्वल टू प्लस वन, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन अगर आप रेडियस की बात करो तो सबसे किसका रेडियस छोटा होगा, स्मॉल रेडियस, और इसका रेडियस क्या होगा, लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा होगा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया q अपॉन a, तो q अपॉन a इस केस में मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है और इसका एरिया 4πr² हो गया, तो इसका रेडियस बहुत स्मॉल है तो इसका डिनोमिनेटर वैल्यू बहुत छोटा हो गया, तो इस सिचुएशन में सिग्मा मैक्सिमम हो गया। और आप जान लीजिए सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो आपकी बेसिकली जितनी ज्यादा पोलराइजेशन वैल्यू होगी उसका थर्मल स्टेबिलिटी उतना कम होगा। तो लिथियम के केस में क्या होगा, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा। तो मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, ये आपका लीस्ट थर्मल स्टेबल होगा, ये आपका सबसे कम थर्मल स्टेबल होगा। और सीजियम कार्बोनेट क्या होगा आपका, ये आपका मैक्सिमम थर्मल स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है, यही रीजन है कि लिथियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो इसके हाई चांसेस हैं ब्रेक हो जाने के, बट आपका सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रूबीडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट जल्दी ब्रेक नहीं होता। थर्मल स्टेबिलिटी कैसे होगी, लिथियम से ज्यादा सोडियम की, उससे ज्यादा पोटेशियम की, देन रूबीडियम की, देन सीजियम की। तो ये हो गया हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। आप याद रखेंगे कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है सॉल्ट्स की वो बेसिकली डिपेंड करती है किसके ऊपर, पोलराइजेशन के ऊपर। पोलराइजेशन आपका जितना ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। थर्मल स्टेबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या हो गया, जो हीट करने पे जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। तो यही रीजन है कि आप लिथियम कार्बोनेट को हीट अगर करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में, बट इसके अलावा ना तो ये डिकम्पोज होंगे, ना तो ये डिकम्पोज होंगे, ना ही ये डिकम्पोज होंगे और ना ही ये डिकम्पोज होंगे। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली ग्रुप वन एलिमेंट के जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, दे आर वेरी गुड मेटल्स। तो क्या होगा, दे कैन अट्रैक्ट द क्लाउड ऑफ कार्बोनेट आयन वेरी स्ट्रांगली एंड दैट्स व्हाई दे फॉर्म वेरी स्ट्रांग आयोनिक बॉन्ड इन बिटवीन मेटल एंड इन बिटवीन कार्बोनेट आयन। तो इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या होते हैं, हाईली थर्मली स्टेबल होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप इनको हीट करोगे तो ये जल्दी ब्रेक नहीं होंगे। बिल्कुल क्लियर हो गई बात समझ में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सीजियम, रूबीडियम, इन सब, ये सब कार्बोनेट हाईली स्टेबल होंगे। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा आपका, लिथियम कार्बोनेट। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी का जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, ये पॉइंट है ग्रुप टू एलिमेंट्स, ग्रुप टू एलिमेंट्स कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर से आ जाते हैं बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। देखो बिल्कुल पहले जैसा ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनके स्टेबिलिटी की। सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पर अगर आप चार्ज देख लो इन पे भी चार्ज प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू। लेकिन अगर हम रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस क्या है, मिनिमम, और इसका रेडियस क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि सब एक ही ग्रुप के हैं। और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, हमारा रेडियस इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस। तो चार्ज सब पे सेम है बट आपका रेडियस ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता चला जाता है। तो सबसे छोटी रेडियस होगी बेरिलियम की। तो अब मैंने आपको बताया पोलराइजेशन चेक करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, क्यू प्लस टू है, कॉन्स्टेंट ही है हर केस में। और एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा मिनिमम। तो इस सिचुएशन में प्लस टू अपॉन मिनिमम एक वैल्यू की क्या आ जाएगी, वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। किस केस में, बेरिलियम कार्बोनेट के केस में। अब अगर हम बात कर लें बेरियम कार्बोनेट की तो देखिए इसमें क्या होगा, यहां पर भी आपका चार्ज तो प्लस टू ही रह गया, रेडियस आपका हो गया मैक्सिमम। तो रेडियस मैक्सिमम हो गया तो ऑब्वियस ही बात है एरिया भी मैक्सिमम हो गया। सिग्मा इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन ए, तो आपका चार्ज प्लस टू हो गया और एरिया आपका हो गया
एक मैक्सिमम, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई मिनिमम। तो बेरियम कार्बोनेट में पोलराइजेशन क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, इसका पोलराइजेशन मिनिमम हो रहा है। तो मिनिमम हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसमें आयोनिक कैरेक्टर मैक्सिमम है, आयोनिक कैरेक्टर इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर इसका मतलब क्या हो गया, लेस कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया इसका, लेस, और लेस कोवेलेंट कैरेक्टर और मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, वेरी थर्मली स्टेबल, थर्मली स्टेबल, ये बहुत ही ज्यादा थर्मल स्टेबल होंगे। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे आपका पोलराइजेशन मैक्सिमम हो जाएगा, और जब पोलराइजेशन मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट नेचर मैक्सिमम हो जाएगा, और जब आपका कोवेलेंट नेचर मैक्सिमम हो जाएगा तो आयोनिक नेचर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये मिनिमम हो जाएगा, और ये अगर मिनिमम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका थर्मल स्टेबिलिटी एकदम कम हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इज वेरी लेस। बात समझ में आ रही है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो हमने ग्रुप टू एलिमेंट्स के कार्बोनेट देखे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, इनमें से सबसे कम स्टेबल जो होगा, थर्मली स्टेबल जो सबसे कम होगा वो हमारा होगा बेरिलियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि इसका पोलराइजेशन मैक्सिमम है, और पोलराइजेशन मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि इसका चार्ज तो सब में प्लस 2 है बट इसका एरिया बहुत छोटा है, तो एरिया छोटा होने की वजह से क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट आएगा, बेरिलियम का साइज ऐसा है और इसका साइज कार्बोनेट का ऐसा है, तो ये इसको हाईली पोलराइज करेगा, तो ये कार्बोनेट के क्लाउड को अपनी तरफ बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेगा। तो इस अट्रैक्शन से क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा, क्योंकि आपको पता है कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या होता है, यस, शेयरिंग होती है, और जब शेयरिंग होती है आपको पता होगा कोवेलेंट कंपाउंड्स जो भी बनते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, वो बहुत ही लेस थर्मल स्टेबल होते हैं। तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, और ये क्यों आएगा, पोलराइजेशन से आएगा, उतना ज्यादा वो थर्मली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में सबसे छोटा साइज बेरिलियम का था, इसलिए ये हाईली थर्मल, सॉरी, लेस थर्मल स्टेबल है, और बेरियम आपका हाईली थर्मली स्टेबल कंपाउंड है। अब आ जाते हैं इनको हीट करने पे, इनको हीट करने पे क्या बनेगा। तो देखिए, अगर आप इनको हीट करेंगे, कार्बोनेट्स को हीट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने बेरिलियम कार्बोनेट को हीट किया, तो ये बना लेगा बेरिलियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत इजीली बना लेगा, क्योंकि क्या रीजन क्या है, लेस थर्मल स्टेबल। चलिए अब बात कर लेते हैं, वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा टेम्परेचर लेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 400 डिग्री सी पे टूट जाता है, और ये 825 डिग्री सी पे ब्रेक होता है। तो ये बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो सेकेंड ग्रुप में, तो ये बेसिकली इस तरीके से ऑक्साइड्स बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। और ले लीजिए बेरियम कार्बोनेट, अगर आप बेरियम कार्बोनेट को हीट करोगे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे, तब जाके ये बनाएगा बेरियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इस ग्रुप के अंदर कौन होगा, बेरियम कार्बोनेट, और सबसे ये क्या होगा, मैक्सिमम थर्मल स्टेबल, और आपका मिनिमम थर्मल स्टेबल कौन होगा, बेरिलियम कार्बोनेट, ये क्या होगा आपका, मिनिमम थर्मल स्टेबल। बात समझ में आ गई, ठीक है, यस। तो आपने कार्बोनेट को हीट किया, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर दें, हमने क्या क्या किया, हमने फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट को हीट किए, बहुत ही ज्यादा स्टेबल थे, और उसका रीजन क्या था, उनका साइज क्या होता है, पीरियड में सबसे बड़ा होता है, और जो जो उस पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो वैसे वैसे साइज डिक्रीज होती चली जाती है। तो इससे क्या होता है, इसका जो पोलराइजेशन होता है फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट्स के अंदर वो बहुत कम होता है, तो ये बहुत ही अच्छे आयोनिक कंपाउंड होते हैं बट बहुत ही बुरे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इसीलिए ये जल्दी से ब्रेक नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई। फिर हमने सेकेंड ग्रुप में देखा था एल्केलाइन अर्थ मेटल का जो कार्बोनेट होगा, इस कार्बोनेट की खास बात क्या होगी, ये
हीट करने पे ब्रेक हो जाएंगे ऑक्साइड में, और कहां ब्रेक हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे। और इसमें हमने क्या बात की थी, बेरिलियम कार्बोनेट आपका सबसे लेस स्टेबल होगा और आपका बेरियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बेरियम कार्बोनेट के केस में पोलराइजेशन, यस पोलराइजेशन सबसे कम होगी, और बेरिलियम कार्बोनेट के केस में पोलराइजेशन आपकी मैक्सिमम होगी। इसीलिए बेरिलियम कार्बोनेट आसानी से टूट जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, और बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं, कहाँ जाएंगे, अब आ जाएंगे पी ब्लॉक पे। तो पी ब्लॉक के कार्बोनेट को थोड़ा स्टडी कर लो, पी ब्लॉक कार्बोनेट्स, पी ब्लॉक कार्बोनेट्स। तो आपको पता होगा Al2CO3 इसके केस में क्या होगा, बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा Al2O3 में ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा CO2 में। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इसका चार्ज +3 होता है और इसका साइज स्मॉल होता है। अगर हम साइज की बात करें, सोडियम का साइज मैक्सिमम है, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम एक पीरियड में। तो सबसे छोटा साइज होगा इन तीनों में और चार्ज मैक्सिमम है, तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि Q/A, तो इसका चार्ज मैक्सिमम हो गया और रेडियस इसका मिनिमम हो गया, तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो ये इसका पोलराइजेशन क्या हो गया, इसका पोलराइजेशन हाई हो गया, और जब पोलराइजेशन हाई हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट कर गया, तो ये इजिली टूट जाएगा, आसानी से Al2O3 प्लस CO2 बना लेगा। ऐसे ही आपका लेड कार्बोनेट है PbCO3, अगर आप इसको हीट कर दो ये टूट जाएगा PbO में प्लस ये टूट जाएगा CO2 के अंदर, दैट्स ऑल। तो पी ब्लॉक के जो कार्बोनेट होंगे वो आसानी से टूट जाते हैं, उतने स्टेबल नहीं होते हैं जितना कि हमारा एस ब्लॉक के कार्बोनेट स्टेबल होंगे Group 1 या Group 2 वाले, बात समझ में आ रही है, यस। अब आ जाते हैं थर्ड जो हमारा इसका रिलेटेड पॉइंट है, वो क्या था, यस थर्ड पॉइंट है हमारा, देखो मैं बोल रहा हूं आपको कार्बोनेट अगर आपने समझ लिया तो आप बाइकार्बोनेट भी इजिली समझ लोगे, सल्फेट भी इजिली समझ लोगे, बाइसल्फेट भी समझ लोगे, कैसे भी सॉल्ट आए आप समझ लोगे, सबका ऑर्डर एक जैसा होता है, इसीलिए मैं कार्बोनेट पे ज्यादा फोकस दे रहा हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास बात आती है ट्रांजिशन मेटल्स कार्बोनेट की, इसकी बात आएगी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनेट्स। देखो ट्रांजिशन मेटल कार्बोनेट्स, अब जिनका कॉन्फिग्रेशन स्यूडो इनर्ट गैस जैसा होगा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन जिनका होगा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे 3D10 वाले, 4D10 वाले, 5D10 वाले, ये जो भी होंगे इनके इनके केस में मैक्सिमम पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन का ऑर्डर, चूंकि ये फजान्स रूल का टॉपिक है आप समझ पा रहे होंगे, पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज्यादा होता है स्यूडो में, देन होता है नॉन इनर्ट में, और नॉन इनर्ट के बाद किस में होता है, सबसे कम पोलराइजेशन होता है इनर्ट में। और इनर्ट कॉन्फिग्रेशन कौन रख रहे थे, सोडियम पोटेशियम, जी हाँ सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीसीएम, इसीलिए इनके कार्बोनेट में सबसे कम पोलराइजेशन हो रहा था और मैक्सिमम स्टेबल हो रहे थे। अब अगर हम बात कर लें जिंक कार्बोनेट की, ZnCO3 की, अगर आप इसको हीट करेंगे इजिली बनाएगा ZnO प्लस CO2, अगर आप कैडमियम कार्बोनेट को हीट करोगे इजी बनाएगा कैडमियम ऑक्साइड प्लस CO2, अगर आप आयरन कार्बोनेट को हीट करोगे फेरस कार्बोनेट को इजीली बनाएगा FeO प्लस CO2। तो ये जो कंपाउंड होते हैं ZnCO3, CdCO3, FeCO3, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, लेस थर्मली स्टेबल। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हो गया इनका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन। तो जिस एलिमेंट का भी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा लाइक 3D10, 4D10, 5D10, वैसे कंपाउंड क्या होंगे, मैक्सिमम कोवेलेंट नेचर शो करेंगे, मैक्सिमम पोलराइजेशन होगी, तो मिनिमम आयोनिक नेचर होगा, तो लेस थर्मली स्टेबल होंगे, आप बात समझ गए होंगे, यस yes। चलिए लास्ट, बिल्कुल लास्ट पार्ट पे आ गए हैं कार्बोनेट के, पैसिव मेटल के कार्बोनेट्स कैसे होंगे, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। पैसिव मेटल कार्बोनेट्स, देखिए पैसिव मेटल कार्बोनेट्स को आप हीट करोगे तो वो डायरेक्टली मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको कैसे याद रखोगे, हापा, जी हाँ हापा। व्हाट इज हापा, हाँ सोचो बड़े सर क्या बोल दिया आपने, हापा, यस हापा मीन्स H4Hg, A4Ag,
P4PT and A4AU. अगर इनके कार्बोनेट हैं, जैसे इसका कार्बोनेट हो गया AgCO3, इसका कार्बोनेट हो गया सिल्वर का Ag2CO3, PT का कार्बोनेट हो गया PtCO3 whole twice और AU का कार्बोनेट हो गया Au2CO3. अगर इन कार्बोनेट्स को आप हीट करोगे, तो क्या मैंने बोला, अगर पैसिव मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाए तो ये डायरेक्टली देंगे पहले मेटल ऑक्साइड, और अगर आप कॉन्टिन्यूसली हीट कर दो तो ये क्या दे देंगे, मेटल दे देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं कि इसको, सर आपने तो बोल दिया मेटल दे देंगे, मेटल कैसे देंगे, देखो कैसे देंगे। HgCO3 को आप हीट करो, पहले ये बना लेगा HgO प्लस बना लेगा CO2, फिर अगेन आप इसको हीट करोगे ये दे देगा Hg प्लस दे देगा O2। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी हापा के कार्बोनेट होते हैं, हापा 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 Hg Ag Pt AU, इनके कार्बोनेट्स मेटल देते हैं। अब आप सिल्वर कार्बोनेट को हीट कर दो, पहले बना लेगा सिल्वर ऑक्साइड, फिर बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से आप इसको हीट कर दो, ये बना लेगा सिल्वर प्लस बना लेगा ऑक्सीजन। तो देखो HgCO3 के केस में Hg मिल गया, यस Ag के केस में Ag मिल गया। अब आप प्लैटिनिक कार्बोनेट को हीट कर दो, तो ये पहले बना लेगा प्लैटिनिक ऑक्साइड मतलब P2O2 और बना लेगा CO2। प्लैटिनिक ऑक्साइड को फिर से हीट कर दो, बना लेगा प्लैटिनम प्लस बना लेगा ऑक्सीजन। आप इन चीजों को इलिंगम डायग्राम में भी देखा होगा, जो मेटलर्जी का टॉपिक है, कि इनके जो सॉल्ट्स होते हैं, इनके जो ओर्स होते हैं, इसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आती, ज्यादा परेशानी नहीं आती। आप सिंपली हीट कर दो इनके ओर्स को, ये मेटल्स दे देते हैं, क्योंकि इनके ओर्स की स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, हीट करने पे बहुत ही लेस थर्मल स्टेबल होते हैं। तो अगर आप पैसिव मेटल के कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये इजीली दे देगा। गोल्ड कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे तो ये पहले बना लेगा क्या, आपके पास बना लेगा AU बना लेगा, 2O बना लेगा और CO2 बना लेगा, और फिर से इसको हीट कर दो, ये AU दे देगा प्लस ऑक्सीजन दे देगा। तो एक बार मैं फिर से समझा दूं, पैसिव मेटल के कार्बोनेट्स ये जो चार कार्बोनेट्स है, हापा Hg Ag Pt Au, ये हापा के कार्बोनेट टूट के डायरेक्टली मेटल देते हैं। देखिए आपको मेटल मिला है यहाँ पर मर्क्यूरी, यहाँ पर सिल्वर, यहाँ पर प्लैटिनम और यहाँ पर गोल्ड। तो हापा के कार्बोनेट सबसे कम, याद रखेंगे हापा के कार्बोनेट सबसे कम थर्मली स्टेबल होंगे और ये आसानी से टूट के मेटल आपको प्रोड्यूस करेंगे। पहले एक इंटरमीडिएट कॉम्पाउंड बनेगा उनका ऑक्साइड्स, जो कि इजिली मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस। चलिए हापा हमारा हो गया, तो मैं एक बार जल्दी से आपको रिवीजन दे दूं। हमने पांच तरह के कार्बोनेट देखे। पहला कार्बोनेट हमने क्या क्या देखा, पहला हमने देखा एल्कली मेटल का कार्बोनेट, दे आर हाई स्टेबल, क्योंकि मेटल और कार्बोनेट के बीच में काम करने वाला जो बॉन्ड है वो हाईली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयोनिक नेचर मैक्सिमम है और कोवेलेंट नेचर मिनिमम है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो गए, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर डोमिनेट कर गया, क्योंकि उसमें पोलराइजेशन बहुत कम हो रहा था। और पोलराइजेशन कम क्यों हो रहा था, क्योंकि उनका चार्ज बहुत कम था और साइज बहुत ज्यादा था, तो सिग्मा की वैल्यू बहुत कम होगी। दूसरा हमारे पास आया सेकंड ग्रुप के जो कार्बोनेट्स थे, उनके इसमें क्या था, वो थर्मली अनस्टेबल होते हैं, उतने स्टेबल नहीं होते हैं जितना कि फर्स्ट ग्रुप का कार्बोनेट होता है। इनको हीट करोगे ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जैसे CaCO3 हीट करो CO प्लस CO2 इजिली बन जाएगा। इनका ऑर्डर क्या था, सबसे कम बेरिलियम होगा क्योंकि मैक्सिमम पोलराइजेशन हो रहा है, और सबसे ज्यादा एकदम एक्सट्रीम राइट में चला जाओ क्या बनेगा आपका, बेरियम कार्बोनेट, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर हमने पी ब्लॉक का कार्बोनेट देखा, मैक्सिमम पोलराइजेशन हो रही थी, और वो क्यों हो रही थी, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा था, चार्ज बहुत ज्यादा था, तो फजान रूल काम किया और ये बहुत ही कम स्टेबल होते हैं। एल्युमिनियम कार्बोनेट हो गया, थैलियम कार्बोनेट हो गया, लेड 2 कार्बोनेट हो गया, इजिली हीट करने पे ऑक्साइड बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। फिर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल आया, तो मैंने आपको क्या बोला, जो स्यूडो ट्रांजिशन मेटल कॉन्फिगरेशन रखते हैं, लाइक 3D10 वाले आपके हो गए जिंक, 4D10 वाले हो गए आपके कैडमियम, इनको अगर आप हीट करोगे तो भी ये आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे, इसका मतलब है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। और लास्ट हमारे पास जो फिफ्थ नंबर पे आया था वो था पैसिव मेटल, हमने क्या बोला था यस हापा Hg Ag Pt और Au, इनके कार्बोनेट को हीट करोगे पहले ऑक्साइड बनाएंगे और देन फाइनली ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा मेटल में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बाई कार्बोनेट्स की। तो बाई कार्बोनेट्स के केस में क्या होगा, पहले हम बात कर लेंगे फर्स्ट ग्रुप की। तो इसके अंदर आ जाएंगे लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबीडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी
यस, रुबिडियम बाइकार्बोनेट एंड सीजियम बाइकार्बोनेट। इन केस में भी सेम कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम पोलराइजेशन होगी लिथियम बाइकार्बोनेट में और मिनिमम पोलराइजेशन होगी सीजियम बाइकार्बोनेट में। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका लीस्ट थर्मल स्टेबल, लीस्ट थर्मल स्टेबल। और आपका सीजियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, मैक्सिमम थर्मल स्टेबल, ये आपका सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। रीजन भी आपको मैंने बता दिया, फजांस रूल का सेम रीजन है जो कार्बोनेट में आ रहा था। अब अगर इनको हीट किया जाए तो क्या होगा, लिथियम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट पे आ जाते हैं, NaHCO3। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये कार्बोनेट बनाएगा, वाटर वेपर्स के वेपर्स बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इन तीनों को फिर से मिला दूं तो ये फिर से बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक बाइकार्बोनेट टूटता है कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और अगर आप इन तीनों को मिला दो तो फिर से बाइकार्बोनेट आपका फॉर्म हो जाएगा। अब देखने वाली बात क्या है कि अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूसली हीट करता रहूं तो क्या होगा, आंसर इज नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और रीजन मैंने आपको बताया है, जो फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट होते हैं दे आर वेरी हाईली स्टेबल, तो हाईली स्टेबल होंगे तो उनका डिकम्पोजिशन बहुत मुश्किल से होगा। तो बाइकार्बोनेट टूट जाएंगे कार्बोनेट में, वाटर में और CO2 में। ऐसे ही अगर हम बात कर लें KHCO3 की, पोटेशियम बाइकार्बोनेट की, क्या होगा, ये बनाएगा K2CO3, ये बनाएगा वाटर और ये क्या बना लेगा, CO2। अब इसमें से क्या होगा, ये मैक्सिमम स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ही ज्यादा, सोडियम से भी ज्यादा स्टेबल है। आप इसको हीट करोगे और क्या आ जाएगा, नो इफेक्ट। बात समझ में आ गई। अब देखिए एक छोटा सा एक्सेप्शन हमारे पास है, चूंकि लिथियम बाइकार्बोनेट लीस्ट थर्मल स्टेबल होता है। और लीस्ट थर्मल स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा है और चार्ज प्लस वन है, तो कोवलेंट कैरेक्टर डोमिनेंट कर गया इसके अंदर, मैंने इसीलिए लिखा लीस्ट थर्मल स्टेबल। तो अगर मैं इसको हीट करूं तो पहले ये बनाएगा लिथियम कार्बोनेट, फिर बनाएगा वाटर और फिर बनाएगा CO2। अब अगर मैं इसको फिर से हीट कर दूं, ये बना देगा लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत अपने आप में यूनिक रिएक्शन है कि लिथियम बाइकार्बोनेट को अगर आप कॉन्टिन्यूसली हीट करते जाओ तो लिथियम ऑक्साइड बन सकता है, क्योंकि ये सबसे कम थर्मली स्टेबल होता है और क्योंकि इसका पोलराइजेशन मैक्सिमम होता है। और जो जो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो सबसे कम लिथियम है बाइकार्बोनेट है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम और सबसे मैक्सिमम सीजियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो फर्स्ट ग्रुप का आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए, इसको देख लीजिए और इसको आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप के बाइकार्बोनेट में। सेकेंड ग्रुप का बाइकार्बोनेट क्या होगा हमारे पास, बेरिलियम बाइकार्बोनेट, यस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम बाइकार्बोनेट। चलिए यही तक हम रहते हैं, आप चाहो तो बेरियम बाइकार्बोनेट भी बना सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट, बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, चार्ज सब पे तो +2 ही है, तो साइज जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी। तो हाईएस्ट पोलराइजेशन होगा बेरिलियम बाइकार्बोनेट में, तो ये लेस थर्मली स्टेबल होगा, लेस थर्मल स्टेबल। और ये क्या होगा, मैक्सिमम थर्मल स्टेबल, ठीक है। तो बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा कैल्शियम, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्शियम और सबसे ज्यादा बेरियम बाइकार्बोनेट। तो अब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर आप बाइकार्बोनेट को हीट करोगे ये बना लेगा MgCO3 प्लस बना लेगा वाटर प्लस बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी हम सेकेंड ग्रुप के बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब क्या होगा हमारे पास, MgCO3 को अगर हीट किया जाए ये बना लेगा MgO प्लस बना लेगा H2O और प्लस क्या बना लेगा, CO2। बात समझ में आ रही है, यस। तो इस ग्रुप के बाइकार्बोनेट की सबसे खास बात क्या थी जो फर्स्ट ग्रुप में नहीं थी, यस, फर्स्ट ग्रुप के बाइकार्बोनेट को भी हीट करने पे वो कार्बोनेट बनाता था, वाटर बनाता था और CO2 बनाता था, लेकिन वो कार्बोनेट फर्दर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता था लिथियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के। इस केस में किसी भी बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे वो पहले बनाएगा कार्बोनेट, फिर बनाएगा वाटर, फिर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये फर्दर डिकम्पोज होकर बना लेगा ऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है, यस। अब ये हम समझ गए। इसी तरीके से आपका
नेक्स्ट बाइकार्बोनेट आपके हैं कौन से बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा AlHCO3 होल थ्राइस, अगर आप इसको हीट करोगे अगेन ये बन जाएगा Al2O3 प्लस बन जाएगा H2O प्लस बन जाएगा CO2। ऐसे ही अगर आप हीट करोगे लेड बाइकार्बोनेट को PbHCO3 होल ट्वाइस को, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा PbO प्लस H2O प्लस CO2। आप याद रखेंगे ये Al2O3 पहले कैसे बना था, पहले AlHCO3 होल थ्राइस कन्वर्ट हुआ था Al2CO3 होल थ्राइस में, और देन आफ्टर ये बना है इसमें। वैसे ही ये पहले कन्वर्ट हुआ था आपका PbCO3 में, देन ये कन्वर्ट हुआ है PbO में। बात समझ में आ रही है? यस, बिल्कुल क्लियर है। हापा के बाइकार्बोनेट ले लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपका सिल्वर बाइकार्बोनेट है आप इसको हीट करेंगे, पहले ये बना लेगा AgCO3 प्लस H2O, Ag2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, Ag2CO3 अगेन आप इसको हीट करेंगे ये बना लेगा Ag2O प्लस बना लेगा CO2। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, अगेन ये हीट करेंगे आप ये बना लेगा सिल्वर प्लस बना लेगा ऑक्सीजन। मैंने पहले ही बोला था हापा का आप कार्बोनेट लो, बाइकार्बोनेट लो, सल्फेट लो, कुछ भी लो, ये फाइनली मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सेकेंडरी ग्रुप में ये बात थी, सेकंड ग्रुप की ये खास बात थी, ये धीरे धीरे फाइनली पहले तो कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और अगर हापा के सॉल्ट्स होंगे तो फाइनली वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस, ठीक है। तो अब हमारा स्टार्ट क्या होता है, सल्फेट, मेटल सल्फेट। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल थर्मल स्टेबिलिटी का पैटर्न वैसा ही होगा जैसा कि कार्बोनेट में था, बाइकार्बोनेट में था, बट हमारे प्रोडक्ट अलग बनेंगे। सबसे पहले हम हीट करेंगे किसको, सोडियम के सल्फेट को, पोटेशियम के सल्फेट को, फर्स्ट ग्रुप के सल्फेट को। इन सल्फेट की खास बात क्या होती है, ये हीट होने के बाद क्या देते हैं, देखिए अगर आप सोडियम बाइसल्फेट सोडियम सल्फेट को अगर आप हीट करोगे तो ये बनाएगा Na2O प्लस बना लेगा SO3 बस। बट ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं तो इनका जनरल डिकम्पोजिशन नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता है, फिर भी अगर आप डिकम्पोज करोगे तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाएंगे और SO3 बनाएंगे। अब आप खुद सोच के देखो, ये मेटालिक ऑक्साइड है और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होंगे, तो ये फर्दर रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेंगे। तो इनके बीच अगर रिएक्शन होती है तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये बेस और एसिड ये रिएक्ट करेंगे तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करके सॉल्ट बनाएंगे। तो सॉल्ट कॉम्पेरेटिवली क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो अगर आप एक मोर स्टेबल प्रोडक्ट से, मोर स्टेबल सब्सटेंस से लेस स्टेबल सब्सटेंस बना रहे हो, दैट्स इज नॉट फेवरेबल इन केमिस्ट्री और इन नेचर। आप वही कंपाउंड बना सकते हो जिसकी एनर्जी मिनिमम होती है, इसीलिए जनरली नहीं बनते हैं। फिर भी अगर स्टेबिलिटी की बात करो तो सबसे कम लिथियम सल्फेट होगा, देन आपका सोडियम सल्फेट होगा, देन आपका पोटेशियम सल्फेट होगा, देन आपका रुबिडियम सल्फेट होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा सीजियम सल्फेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये रहा इसका ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, यस, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड ग्रुप की। तो सेकेंड ग्रुप के सल्फेट को अगर आप हीट करोगे, जैसे कि मान लो हमारे पास बेरियम सल्फेट है, तो दो बात होगी। एक होगा अगर हमारा टेम्परेचर लेस देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब अगर आप इसको हीट करोगे तो ये बना लेगा बेरियम ऑक्साइड प्लस बना लेगा SO3 गैस। बिल्कुल बात समझेंगे, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। और अगर आप इसको हीट कर दोगे मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या बना लेगा, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस बना लेगा SO2 और प्लस बना लेगा O2। बात समझ में आई? अगर टेम्परेचर 800 से कम रहता है तो ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं, और अगर 800 से ज्यादा होता है तो ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस बनते हैं। अब वैसे ही हम ले लेते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को आप हीट करो, टेम्परेचर अगर आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा या उसके नीचे रहेगा तो ये बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO3। अगेन अगर आप इस टेम्परेचर को 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रख दो, जनरली ये 1226 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो आप समझ गए, तो इसका स्टेबिलिटी पैटर्न क्या हो गया, बेरिलियम सल्फेट लीस्ट स्टेबल, देन मैग्नीशियम सल्फेट, देन कैल्शियम सल्फेट, फिर हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, और सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बेरियम सल्फेट।
तो सेकेंड ग्रुप के सल्फेट की क्या खास बात हुई, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप इनको 800 डिग्री सेंटीग्रेड या लेस टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये ऑक्साइड बनाएंगे और सल्फर के ट्राईऑक्साइड बनाएंगे, और अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रख दोगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, डाईऑक्साइड बनाएंगे सल्फर के और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। और थर्मल स्टेबल का पैटर्न ऐसा हो गया, सेम रीज़न है, साइज इसमें सबसे छोटा बेरिलियम का है और चार्ज प्लस टू एक जैसी सबके ऊपर है, तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ पर पोलराइजेशन आपका फाई जो पोलराइजेशन हो गया ये भी मैक्सिमम हो गया, तो कोवेलेंट नेचर डोमिनेंट कर गई, तो ऑब्वियसली बात है ये लेस स्टेबल हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं जिस टॉपिक पे, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये समझ में आ रहा होगा, मैंने बिल्कुल तोड़ तोड़ के हर एक टॉपिक को समझाने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके, और आप इसको अगर बहुत कूल माइंडेड आप बिल्कुल अपने दिमाग को शांत करके देख रहे होंगे तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो क्या आ जाता है, नाइट्रेट। देखिए तो नाइट्रेट हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कॉम्पिटिशन में नाइट्रेट्स। तो अगर आप फर्स्ट एक ग्रुप के नाइट्रेट को हीट करोगे, जैसे मान लो NaNO3 को हीट करेंगे, अगर काफ़ी ज़्यादा इसको हीट करोगे तो ये टूट जाएगा किस में, नाइट्राइट में, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में बात है कि फर्स्ट एक ग्रुप के नाइट्रेट हीट होने पर मेटल नाइट्राइट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, याद रहेगा ये बात। यस, आप नाइट्रेट को हीट करोगे नाइट्राइट बनाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। अब अगर मान लो कि मैं इसको बहुत हाई 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दूं, तब क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा Na2O प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, आप याद रखेंगे। अगर इसको बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में हीट किया जाए तो ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा, बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट ग्रुप की स्टेबिलिटी वैसे ही होगी, सबसे लेस स्टेबल होगा लिथियम नाइट्रेट, देन हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, देन हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, देन हो जाएगा रुबिडियम नाइट्रेट, देन हो जाएगा सीजियम नाइट्रेट। आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ गए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल सीजियम नाइट्रेट होगा और ये हीट करने पे सीजियम नाइट्राइट बनाएगा और ऑक्सीजन गैस बनाएगा, और फर्दर बहुत ज्यादा हीट करोगे तो ये सीजियम ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है हमारे पास सेकेंड ग्रुप के, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ऐसे कंपाउंड के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, दिमाग में इस बात को डाल लो, अगर सेकेंड ग्रुप के नाइट्रेट्स हैं, सेकेंड ग्रुप के नाइट्रेट्स हैं, आप इनको हीट करोगे NO2 गैस मिलेगा, दिमाग में इस बात को रख लो, अगर आप सेकेंड ग्रुप के नाइट्रेट्स को हीट करोगे तो NO2 गैस मिलेगा। कैसे, देखो ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये बना लेगा MgO प्लस बना लेगा NO2 प्लस बना लेगा O2, याद रहेगी बात, यस। और उस वैसे ही अगर हम हीट करें कैल्शियम नाइट्रेट को, देखिए क्या बनाएगा, हीट करने पे ये बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये बना लेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये बना लेगा ऑक्सीजन गैस, थर्मल स्टेबल सेम ऑर्डर होगा। इस केस में भी सबसे कम स्टेबल हो जाएगा बेरिलियम नाइट्रेट, देन स्टेबिलिटी बढ़ेगी है ना मैग्नीशियम नाइट्रेट की, देन और स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसकी कैल्शियम नाइट्रेट में, देन और स्टेबिलिटी बढ़ेगी स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट में, और मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा आपका बेरियम नाइट्रेट। तो देख लीजिए, तो अगर फर्स्ट एक ग्रुप के नाइट्रेट्स होंगे, अगर आप उनको हीट करोगे तो नाइट्राइट्स प्रोड्यूस करेंगे और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, अगर हम इसको ड्रास्टिक कंडीशन में हीट कर दें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा अलॉन्ग विथ मेटल ऑक्साइड, और अगर इसका ये ऑर्डर हो गया लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, और ये आपका सेकेंड ग्रुप के नाइट्रेट्स हो गए, इनको हीट करने पर ये ऑक्साइड देते हैं NO2 गैस देते हैं और ऑक्सीजन गैस देते हैं, तो याद रखेंगे सेकेंड ग्रुप के नाइट्रेट्स NO2 देते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नाइट्रेट्स में, जी एडवांस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड हैं, एम्स के भी प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं कि ट्रांजिशन मेटल के अगर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। यस, ट्रांजिशन मेटल के नाइट्रेट को अगर आप जिंक नाइट्रेट को हीट कर दो, जिंक नाइट्रेट को हीट कर दो, बहुत आसानी से जिंक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। वैसे ही अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट कर दो तो ये आसानी से आपको PbO देंगे क्रैकिंग साउंड के साथ, क्रैकिंग साउंड के साथ
पीबीओ देंगे, एनओ टू देंगे और आपको क्या देंगे, ऑक्सीजन गैस देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो और लास्ट बात एक हमारे पास हो जाएगा पैसिव का। पैसिव, पैसिव में आपको पता है जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट ले लो, सिल्वर नाइट्रेट को आप पहले हीट करोगे, ये बना लेगा Ag2O, बना लेगा ये NO2 और ये बना लेगा ऑक्सीजन गैस। Ag2O अगेन हापा का कंपाउंड है, इसको हीट करोगे बना लेगा सिल्वर और प्लस बना लेगा ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई? तो सिल्वर नाइट्रेट को हीट करोगे, प्लैटिनिक नाइट्रेट को हीट करोगे, गोल्ड 3 नाइट्रेट या गोल्ड 1 नाइट्रेट को हीट करोगे या आप मर्क्यूरिक नाइट्रेट को हीट करोगे, सब के सब फाइनली प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना मेटल रिलीज कर देंगे और NO2 गैस रिलीज होगी। तो बात समझ में आ रही है? यस। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सल्फेट में मैं आपको बता नहीं पाया, कौन सा ऐसा सल्फेट है जिसको हीट करने पे दो एसिटिक गैसेस रिलीज होती है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही ऐसा सल्फेट है और वो सल्फेट है आयरन सल्फेट। Fe सल्फेट को अगर आप हीट करोगे तो ये बनाएगा Fe2O3 प्लस बनाएगा SO2 और प्लस बनाएगा O2। अब देखो SO2 और O2, SO2 प्लस O2, हाफ O2 अगेन रिएक्ट कर लेते हैं और Fe2O3, ये जो Fe2O3 है ये कैसा काम करता है, कैटलिस्ट के जैसा काम करता है और ये क्या बना लेगा, फाइनली बना लेगा SO3। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट हो गया FeSO4 को हीट करो Fe2O3 प्लस SO2 और कुछ SO3 भी बनता है। तो याद रखेंगे, पैसेज में क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा सल्फेट है, जी हाँ कौन सा ऐसा सल्फेट है जो हीट करने पे ऑक्साइड देता है और टू एसिडिक गैसेस देता है। आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। बात समझ में आ गई? तो ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट दो ऑक्साइड देगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और Fe2O3 बनाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमने नाइट्रेट्स भी देख लिया। यस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो बचा ये क्या बच गया हमारे पास, यस ये बच गया अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो क्या होगा, अमोनियम सॉल्ट। देखिए अमोनियम सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो नॉर्मली नो रेसिड्यू देता है, कोई भी रेसिड्यू हमारे पास नहीं बचेगा, कुछ बचेगा उनको भी डिस्कस कर लेंगे। कौन कौन से हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने अमोनियम क्लोराइड लिया NH4Cl, अगर आप इसको हीट करोगे ये बना लेगा अमोनिया प्लस HCl। देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, नो रेसिड्यू, कोई रेसिड्यू नहीं आया। फिर हम हीट कर देते हैं, मान लो हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट है NH4 होल ट्वाइस CO3, इसको हीट कर लो बना लेगा अमोनिया प्लस बना लेगा CO2, नो रेसिड्यू। और आपको कंपाउंड चाहिए, ये लीजिए NH4NO2, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने पे ये क्या देता है, ये देता है नाइट्रोजन गैस प्लस देता है वाटर। याद रखेंगे अमोनियम नाइट्राइट हीट करने पे नाइट्रोजन देगा और वाटर देगा। अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो इसमें भी कोई रेसिड्यू नहीं था, यस ये भी वेपर बना लिया, नाइट्रोजन गैस है तो ये बना लेगा N2O गैस और बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस। अब हमारे पास क्या आता है, ये तो हमने नाइट्रेट को हीट किया, अब हम नेक्स्ट हीट जिसको करेंगे, नेक्स्ट जिसको हीट करेंगे वो क्या है, अमोनियम कार्बामेट। अगर मान लो आप NH4 ठीक है CO, या ऐसे आप ले लो NH2CO NH4, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम कार्बामेट बोलते हैं। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये बना लेगा अमोनिया गैस प्लस CO2 गैस और प्लस बना लेगा वाटर, सबके सब गैस है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अमोनियम सॉल्ट है जो रेसिड्यू छोड़ता है, एक ही सॉल्ट है वो है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट क्या करेगा, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये ग्रीन रेसिड्यू छोड़ देता है क्रोमियम ऑक्साइड का, क्रोमियम 3 ऑक्साइड का, प्लस बना लेगा ये H2O। बात याद रहेगी? ये Cr2O3 बना लेगा, H2O बना लेगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ये नाइट्रोजन गैस बनाने का लैब मेथड भी है। बात समझ में आ रही है? यस। तो अमोनियम सॉल्ट को अगर आप हीट करेंगे तो ये बनेगा। तो फाइनली अमोनियम सॉल्ट में क्या था, जनरली ये हीट करने पर कोई भी रेसिड्यू हमारे पास नहीं छोड़ता है, लेकिन अगर आप इसको
अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो Cr2O3 का ग्रीन रेसिड्यू आएगा, इसका ग्रीन रेसिड्यू आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस। चलिए लास्ट, बिल्कुल लास्ट है, 2 मिनट और आपका लेना चाहूंगा। ठीक है, यस। तो लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, बिल्कुल छोटा सा है हमारे पास, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या क्या होगा? पहला तो हो जाएगा हमारे पास फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के केस में क्या होगा? फॉर्मेट के केस में अगर आप सोडियम फॉर्मेट को, HCONa को, अगर आप इसको 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे तो ये बना लेगा सोडियम ऑक्सलेट COONa और बना लेगा COONa, सोडियम ऑक्सलेट। याद रहेगा, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिंगल एक ऐसा सॉल्ट है आप बोल सकते हो जहां पर डबलिंग ये दिखा रहा है हीट करने से। तो सोडियम फॉर्मेट को जब आप हीट करोगे 360 पे तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्सलेट, और अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हो फिर से, जो कि फर्दर अलग बात है, तो ये बना लेगा ऑक्सैलिक एसिड COOH। दूसरा क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करोगे तो देखो क्या होगा। अगर आप इसके क्रिस्टल्स को हीट करोगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और हमारे पास बच जाएगा फॉर्मल्डिहाइड और हमारे पास बच जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करने पे फॉर्मल्डिहाइड बनता है। फिर हमारे पास एक आता है कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट को अगर हम हीट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? देखो यहाँ से फिर से CaCO3 निकल गया, बच गए CH3COCH3। तो हमारे पास प्रोडक्ट हो गया CH3COCH3 और CaCO3। लास्ट एक और ले लो, मान लो कि अगर हमने मिक्स कर दिया CaOCOH, ये क्या हो गया? यस, ये हो गया हमारा कैल्शियम फॉर्मेट। और अगर हम इसको मिक्स कर दें किसके साथ? कैल्शियम एसीटेट के साथ, COO CH3 COO, और यहां रख दो कैल्शियम। तो देखो अभी क्या होगा इस सिचुएशन में, मान लो यहां से CaCO3 निकाल दिया और यहां से मान लो आपने अगेन CaCO3 निकाल दिया, तो क्या हो जाएंगे? 2 moles ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गए, और क्या निकल जाएंगे इससे? 2 moles ऑफ एसिटाल्डिहाइड। बात समझ में आई? तो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट ये हीटिंग्स थी। अगर आप सोडियम फॉर्मेट या पोटेशियम फॉर्मेट को हीट करोगे तो ये बनाएगा सोडियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट, और फर्दर अगर आप इसको हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो ये ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करोगे, इनके क्रिस्टल्स का डिस्टिलेशन करोगे, तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड और मेथेनल और कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर कैल्शियम एसीटेट के क्रिस्टल्स का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो बनाएगा एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर आप इसको मिक्स कर दोगे तो बन जाएगा एसीटाल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? आप याद कैसे रखोगे? सोडियम फॉर्मेट में ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉर्मेट में सिंगल एक एल्डिहाइड, और अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट के साथ किसी को भी मिक्स कर दो तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा दूसरे एल्डिहाइड बनेंगे, जो दूसरे ग्रुप में CH3CO वाला पार्ट होगा या जो भी पार्ट होगा ये एल्डिहाइड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनाल्डिहाइड, ब्यूटेनाल्डिहाइड, जो मन में आया आप बना सकते हो। ठीक है, तो अब एक बार मैं जल्दी से आपको रिवीजन दे दूं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लोड हो गए होंगे, आप सोच रहे हो अरे सर आज तो बहुत कुछ सीख लिया। यस, ये आपने जो सीखा है आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल आपके काम आएगा। और आप देखना एक दिन आप बोलोगे कि यस आसिफ सर ने हमें कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे JEE एडवांस के लिए, AIIMS के लिए, BITSAT के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एक बार रिवीजन आपको दे देते हैं। हमने कार्बोनेट का हीटिंग देखा, फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट होंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप आंख बंद कर लो बिल्कुल और मेरी बात को समझो और रिवाइज करो मैंने क्या बोला। हमने बोला फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट होंगे उनको हीट करोगे नहीं टूटेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। फिर हमने इसका ऑर्डर बताया, सबसे लेस स्टेबल होगा लिथियम कार्बोनेट, फिर सोडियम कार्बोनेट, फिर पोटेशियम कार्बोनेट, ऐसे कर करके स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। फिर हमारे पास आया बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के केस में क्या हो गया था, जो फर्स्ट ग्रुप के बाइकार्बोनेट थे वो हीट होके कार्बोनेट बनाते थे, वाटर बनाते थे और CO2 बनाते थे। इन कार्बोनेट्स को फर्दर हीट करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट को हम हीट कर रहे थे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या बना ले रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बाइकार्बोनेट में भी सेम वैसा ही होगा, बाइकार्बोनेट को हीट करोगे मैग्नीशियम के तो पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर आपका CO2 बनेगा, और फर्दर आप इसको हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे। बात समझ में आ रही है? फिर हमने हीट किया था किसको? सल्फेट को। सल्फेट में मैंने आपको बताया टेम्परेचर डिपेंडेंट था, अगर आप सेकेंड ग्रुप को
फर्स्ट ग्रुप के तो सल्फेट बहुत स्टेबल होते थे, आप उनको हीट कर लो कुछ होने नहीं जा रहा है, 1000 के ऊपर ही कुछ होगा। और अगर सेकेंड ग्रुप के सल्फेट को हीट करोगे तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके नीचे SO3 गैस प्रोड्यूस हो रही थी मेटल ऑक्साइड के साथ, और 800 के ऊपर हीट करने पे हमारे पास क्या हो रहा था, 800 के ऊपर हीट करने पे बन रहा था SO2 गैस प्लस O2 गैस। और एक ही ऐसा सल्फेट था जो कि टूट के बना रहा था दो एसिडिक गैसेस SO2 और SO3, वो कौन था, फेरस सल्फेट। क्यों, क्योंकि यहां पर Fe2O3 कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा था जो SO2 और O2 का अगेन ऑक्सीडेशन करवा के SO3 बना रहा था। तो FeSO4 टूट के Fe2O3 SO2 प्लस SO3 दे रहा था। फिर हमने बात किया किसके बारे में, नाइट्रेट के बारे में। फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट टूट के नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस देते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन में नाइट्रोजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आया था, फिर हमारे पास आ गया था सेकेंड ग्रुप के नाइट्रेट, इनको हीट करने पे क्या दे रहे थे, NO2 ब्राउन कलर की गैस दे रहे थे। और लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो क्रैकिंग साउंड के साथ NO2 गैस प्रोड्यूस होगी और लेड ऑक्साइड आपके पास रेसिड्यू बच जाएगा। फिर हमारे पास क्या आया था, अमोनियम के सॉल्ट्स। अमोनियम के सॉल्ट्स में मैंने क्या बोला था, रेसिड्यू बचता ही नहीं है, क्योंकि अमोनियम है ये मेटल का तो कोई कैटायनिक पार्ट है नहीं, अमोनियम है गैसेस पार्ट है जो अमोनिया से बना है, तो ये अमोनिया गैस रिलीज करता है। तो अगर आप अमोनियम का कोई भी सॉल्ट लोगे तो ये ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा, ब्रेक होने बाद कोई भी रेसिड्यू नहीं देगा। अमोनियम क्लोराइड N3HCl दे रहा था, अमोनियम कार्बोनेट अमोनिया CO2 दे रहा था, अमोनियम कार्बोनेट अमोनिया CO2 वाटर दे रहा था, या आपका कोई भी कार्बोनेट ले लो या नाइट्रेट ले लो, अमोनियम नाइट्रेट N2O गैस दे रहा था, अमोनियम नाइट्राइट नाइट्रोजन गैस दे रहा था। तो ऐसे सिंपल से थे, कोई रेसिड्यू नहीं देता। अब रेसिड्यू कौन देंगे, जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, अमोनियम एस्टेनेट, ऐसे जो सॉल्ट्स होंगे ये रेसिड्यू देंगे, बट इसे बहुत रेयर हैं। आप जेई के लिए सिर्फ याद रखें अमोनियम डाइक्रोमेट ही एक ऐसा सॉल्ट है जो कि रेसिड्यू देता है, ग्रीन रेसिड्यू और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्ट आ गया था। ऑर्गेनिक सॉल्ट में हम क्या देख रहे थे, ऑर्गेनिक सॉल्ट में हमारे पास हीट करने पर डिफरेंट सॉल्ट्स ही बन रहे थे जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस से एसिड बन रहे थे, या कुछ में एल्डिहाइड और कीटोन बन रहे थे। सोडियम आपने फॉर्मेट को हीट किया 360 पे तो ऑक्सलेट बना था, कैल्शियम फॉर्मेट में फॉर्मल्डिहाइड बना था, कैल्शियम एसीटेट में एसीटोन बना था, फॉर्मेट और एसीटेट मिला के हीट किया एसिटल्डिहाइड बना। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ लास्ट वन मिनट आप ध्यान से सुने, अगला वीडियो जो आएगा, जो इसका वीडियो का Part-2 होगा, वहां पे हम ढेर सारे जेई के बिटसेट के एम्स के प्रॉब्लम करेंगे, उसको आप ध्यान में रखेंगे। और उसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगा, कैसे टिप्स जिससे कि शॉर्टकट में याद किया जा सके, जैसे कलर कैसे हम याद करते हैं, यस बहुत अच्छी अच्छी बातें, और कोडिंग आपको सिखाऊंगा कि कलर कैसे, सोडियम सोना सोना, सोडियम गोल्डन होगा, ब्लू क्रो फंसा कप में, तो इसका क्या मतलब है, क्रोमियम का कलर ब्लू होगा, ब्लू कप ये कैसे हम इसको समझेंगे, पिंक मन मैग्नीज पिंक होगा, ऐसे में बहुत सारी बातें करूंगा, ट्रिक आपको सिखाऊंगा 10 मिनट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे, कौन सी ऐसी गैस है जो कि वाइट टर्बिडिटी देगी, टेम्प्रोरी और परमानेंट देगी, कौन सी ऐसी गैस है जो KO2 में एब्जॉर्ब होगी, कौन सी ऐसी गैस है जो वाटर में एब्जॉर्ब होगी, कौन सी ऐसी गैस है जो येलो कलर का सॉल्यूशन बनाएगी KOH के साथ, कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन में एब्जॉर्ब होगी, कौन सी ऐसी गैस है जो पायरोगैलोल में एब्जॉर्ब होगी, बहुत सारी बातें करेंगे, ट्रिक्स आपको सिखाएंगे और प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो आज जितना भी मैंने आपको बताया आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए हमारे अगले वीडियो के आने तक, ताकि आप प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ सकें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा जो आपको लास्ट के स्लाइड्स में दिखेगा, आप उन असाइनमेंट्स को बनाएंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, प्रॉब्लम शेयर कीजिए, डिस्कशन कीजिए, और हमारे फेसबुक पर IIT एक्सप्लेन्स का पेज है उसको भी लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।